इस कोरोना काल में सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, वर्चुअल यानी बाय वर्चू ऑफ टेक्नोलॉजी। तो नीतीश बाबू को भी अब अपने आप को बिहार का वर्चुअल मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए, यानी आभासी मुख्यमंत्री। देश में वो इस तरह के शायद पहले मुख्यमंत्री होंगे। वर्चुअल मुख्यमंत्री, मैं कुछ समझा नहीं करूं। अरे तुम क्या समझोगे चपड़ गंजू लबड़ धो दो, जब नीतीश कुमार को आज तक बड़े बड़े तीसमार खां फन्ने खां नहीं समझ पाए। मामला दरअसल ये है कि नीतीश बाबू इसी हफ्ते वैशाली जिले के टूर पे गए। आपको कोई गलतफहमी ना हो जाए इसलिए पहले ही बता दूं कि ये वर्चुअल टूर, वर्चुअल यानी आभासी यात्रा। वर्चुअल टूर के बड़े मजे हैं। मुख्यमंत्री अपने घर में पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं और बैठे बैठे जनता के दुख दर्द का हाल भी ले लेते हैं। तो नीतीश बाबू भी अपने आवास पर बैठे बैठे वैशाली गए और वहां की जनता किस हालत में है इसका जायजा भी ले लिया बैठे बैठे। सब्जी है सर, दाल है, चावल है सर, दाल है, पापड़ है, वर्तमान है। सॉरी माफी चाहता हूं, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, वो ये कि नीतीश बाबू जब जनता से हालचाल पूछने वाले थे तो अफसरों ने पहले से ही वहां के लोगों को समझा दिया था कि ए बाबू, मुख्यमंत्री जी अगर ये पूछने लगे ना तो ऐसा जवाब देना, ई पूछे तो वैसा जवाब देना, उ पूछे तो ऐसा जवाब देना, समझ गए ना, गलती मत करना। तो नीतीश बाबू को लगा कि राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है, जो वर्चुअल दिख रहा है वही दरअसल रियल है। लेकिन नीतीश बाबू, आपको शायद रियलिटी मालूम ना हो इसलिए दो ठो झलकियां दिखा देते हैं आपको, दो ठो। ई है मधुबनी जिले का स्वास्थ्य केंद्र जो अब गौशाला में तब्दील हो चुका है। शायद इसी गौशाला के गोबर से आपकी सरकार कोरोना का इलाज करा रही। आपके राज का शायद यही मंत्र है कि दवा नहीं तो क्या हुआ, गोबर तो है। यही है आपके राज में बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल। अब आपको मुजफ्फरपुर का हाल सुना देते हैं। यहां के एक गांव में पिछले 27 दिनों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। कितने? 36। और आपकी सरकार क्या कर रही है नीतीश बाबू? गोबर ले सरा रही है कि गोबर गींज रही है, जांच कर रही है? अच्छा, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।